जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि शिवांगी जोशी और जन्नत जुबेर रहमानी खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 के लिए साउथ अफ्रीका जा चुकी हैं। जहां शिवांगी जोशी और जन्नत जुबेर रहमानी एक साथ काफी सारी वीडियोस और रील्स बना रही हैं और अपने फैंस के साथ शेयर कर रही हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि शिवांगी जोशी और जन्नत जुबेर रहमानी पहले एक दूसरे की तरफ देखती भी नहीं थी और ना ही कभी बात करती थी। दोस्तों एक बार शिवांगी जोशी और जन्नत जुबेर रहमानी एक इवेंट में गई थी जहाँ दोनों ने बात करनी थी, दूर की बात है, एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं था और जहाँ दोनों ही एक दूसरे को इग्नोर कर रहे थे। वहीं फैंस को भी लगता था कि दोनों के बीच कुछ हुआ है, लेकिन अभिनेत्री शिवांगी जोशी ने अपने इंटरव्यू में बताया है अपने बारे में और वो जन्नत से क्यों बात नहीं करती उसका रीजन भी बताया है। शिवांगी जोशी ने बताया कि उनके बीच हुआ क्या था। जहां शिवांगी जोशी से इंटरव्यू में पूछा गया था कि जन्नत और आपके बीच क्या हुआ था जहां आप बात नहीं करते थे और अब आप काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं, तो शिवांगी जोशी ने कहा हाँ हमारी काफी अच्छी दोस्ती हो गई है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हम क्यों नहीं बात करते थे और हम पहले बात भी नहीं करते थे, लेकिन जब हम यहाँ पर आकर मिले एक दूसरे से और हमारी बातें हुई और काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी वो सारी क्लियर हो गई है और अब हम अच्छे दोस्त बन चुके हैं। और अभिनेत्री शिवांगी जोशी ने भी कहा है कि हम खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 के जब शूट पर होते हैं तब हमें कोई भी जन्नत या फिर शिवांगी के नाम से नहीं बुलाता बल्कि सीता गीता के नाम से बुलाता है। उनके फैंस को पहले से डाउट रहता था कि उनके बीच कुछ हुआ होगा, तो कुछ हुआ नहीं था बल्कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बात नहीं करते थे वो दोनों एक दूसरे से और फाइनली वो बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। दोस्तों आप क्या कहेंगे इस पर आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप देख सकें सबसे पहले हमारी वीडियोस।